नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात इस मुद्दे पर कि क्या राजनीतिक शुचिता के लिए कानूनी उपाय जरूरी हैं, क्या यह जरूरी है कि राजनेताओं को उनके संवैधानिक दायित्व याद दिलाने के लिए बार बार अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़े, क्या अपराधीकरण और अनैतिकता के सवालों से जूझ रहा राजनीतिक समाज आत्म सुधार का कोई आंतरिक तंत्र विकसित नहीं कर सकता, क्या ये सिर्फ जनभावना को दोहराना है या वाकई कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक चार्ज शीटेड मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है। आज बहस इसी मुद्दे पर। और आज इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं एसवाई कुरैशी साहब। यह बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा के सांसद केटीएस तुलसी साहब हैं, उनसे भी हम करेंगे चर्चा। चलिए, लेकिन अभी तक की जो बातचीत हुई है तुलसी साहब, उसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि दागियों को राजनीति में आने से फिलहाल रोका जा सकता है, उन्हें मंत्री बनने से रोका जा सकता है। कोई उम्मीद, कोई होप राजनीतिक शुचिता का हम देख सकते हैं यहाँ? अगर हम मूल कारण क्या है, क्यों जो ऐसी छवि के लोग हैं, आपराधिक छवि के लोग ज्यादा बढ़ती जा रही है उनकी गिनती, उसका मूल कारण ये है कि अदालत फैसला करने में बहुत देरी कर रही है। पहले 5 साल में फैसला होता था, फिर 10 साल में होता था, 15 साल में होता है, बहुत सारे केसेस में 20 साल लग जाते हैं। इस मामले में भी UPA 1 के मंत्रियों के खिलाफ केस दायर किया गया था, जनहित याचिका दायर की गई थी, 10 साल आ गए, 10 साल हो गए इस फैसले को सुनाने में। इलेक्शन पिटीशंस, जहां पे इलेक्शन को चैलेंज किया जाता है, वो 5 साल में फैसला होता है। न्यायपालिका सरकार को कुछ कह सकती है कि आप ये करिए, मगर न्यायपालिका स्वयं क्या करती है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि न्यायपालिका स्वयं ही सिर्फ जिम्मेवार है जो देरी होती है, मगर जो देरी होती है मुकदमों के फैसले में, वही मूल कारण है। और देरी सिर्फ न्यायपालिका की वजह से नहीं होती, देरी इसलिए होती है कि 0.4% बजट एलोकेशन है लॉ एंड जस्टिस को। नहीं, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं या फिर न्यायपालिका को जिम्मेदार मानते हैं, ये स्पष्ट मैं ये कहता हूं कि न्यायपालिका भी जिम्मेवार है इसके जो देरी होती है, और उसी लिए ये अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। और इसमें सरकारें भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि सरकारों ने लॉ एंड जस्टिस का बजट इतना कम रखा है। अमरीका में 5% लॉ एंड जस्टिस के लिए रखा जाता है, बाकी देशों में प्राथमिकता दी जाती है इंसाफ को, और हमारे यहाँ ये लास्ट प्रायोरिटी है। 0.4% ऑफ द बजट इज एलोकेटेड अपराधीकरण के लिए। अपराधीकरण कैसे रुकेगा जी, जब मुकदमों का फैसला होगा? 3,20,00,000 केसेस पेंडिंग हैं, उसमें से 1,87,00,000 अपराधीकरण के केसेस हैं, अपराधों के केसेस हैं, और उसमें से 95,000 रेप के केसेस हैं, 1,70,000 मर्डर के केसेस हैं, 4,00,000 क्रूअल्टी अगेंस्ट वेमेन उनके केसेस हैं। अब अगर इन केसेस का फैसला नहीं होगा, इलेक्शन के केसेस का फैसला नहीं होगा, सर्विसेज के केस का फैसला नहीं होगा, मैट्रिमोनियल केसेस का फैसला नहीं होगा, तो समाज में कैसे हम ये कहेंगे कि अपराधीकरण कम हो? जी, अपराधीकरण तो कम तब होगा जब, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 6 महीने में फैसला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, तुलसी साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बाकायदा ये कहा है कि जब आरोप तय हो जाएं, न्यायिक मस्तिष्क द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का पालन हो गया, आरोप तय हो गया, तब ये मान लेना चाहिए कि अब ये शख्स, अब ये नेता, अब ये MP या विधायक मंत्री बनने के काबिल नहीं है। आरोप तय होने का क्या मतलब होता है? FIR किसी ने लिखवाई, सिर्फ इल्जाम है। FIR अगर लिखी गई तो सिर्फ इल्जाम है। चार्जशीट क्या है? एक सब इंस्पेक्टर की ओपिनियन है, उसके ऊपर संवैधानिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आती है। अगर चार्जेस फ्रेम हो गए, तो सिर्फ ग्राउंड फॉर सस्पिशन है, उसमें डिफेंस मुलजिम की नहीं देखी जाती। जो चार्जशीट में लिखा है उसके मुताबिक 90% केसेस में चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं।